लोकसभा चुनाव से पहले एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन फिर से तेज हुआ है। आंदोलन राजनीति नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ है। आंदोलनकारी किसानों ने सफाई दी है कि वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को अपना लिया है। किसानों के समर्थन में बयान देते देते राहुल गांधी ने सिक्सर लगाया। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ऐलान कर दिया कि कांग्रेस किसान न्याय गारंटी देगी, एमएसपी की गारंटी लागू करेगी। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है, हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की एमएसपी की गारंटी पर गारंटी देने से राजनीति भूचाल आ गया है। पुरानी पेपर खंगाले गए तो पेपर ये निकला कि 2010 में यूपीए सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर स्वामीनाथन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई थी, क्योंकि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP एमएसपी की सिफारिश करती है। बीजेपी सांसद प्रकाश जावेदकर के सवाल पर जवाब में तत्कालीन कृषि मंत्री केवी थॉमसन ने एमएसपी फार्मूले को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे बाजार खराब हो जाएगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस पेपर के सामने से माहौल बनने लगा कि राहुल ने भले एमएसपी के गारंटी का ऐलान किया हो, लेकिन कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मचने वाले हंगामे का जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैक्ट दिया कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी, 175 सिफारिशें यूपीए सरकार ने लागू की थी, एमएसपी समेत बची हुई 26 सिफारिशें का ऐलान राहुल गांधी खड़गे ने कर दिया है। और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी उसने अक्टूबर 4 2006 को अपनी पांचवी रिपोर्ट सबमिट की, और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग June 3, 2010 को हुई, 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग June 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशन सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं, और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की, हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। एमएसपी पर घिरने के लिए कांग्रेस के खिलाफ पुराने पेपर निकाले गए तो कांग्रेस मोदी के पुराने बयान भी निकल कर सामने आई। जयराम रमेश ने दावा किया था कि 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार में मोदी कहते थे कि सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और एमएसपी का स्वामीनाथन फार्मूला लागू होगा। मोदी से सवाल ये भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एमएसपी पर मोदी ने ऐसे बयानों की 1.25 मिनट की एक क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल है। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस
की लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा, उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बना। 2006 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में छोटे किसानों के हित में सिफारिश की थी। एमएस स्वामीनाथन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन करीब 2 दशक से स्वामीनाथन के नाम पर बस राजनीति हो रही है। किसानों को रोकने के लिए सरकार के इंतजामों से स्वामीनाथन की बेटी मधुरा को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने किसान आंदोलन से निपटने के तौर तरीके को लेकर खूब सुनाया। Are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, we have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. MS Swaminathan को हरित क्रांति और अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। उनके योगदानों के लिए ही अभी अभी मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मान भी किया। लेकिन MSP पर उनकी रिपोर्ट अभी भी सरकारी दफ्तर में धूल फांक रही है। किसानों के नहीं, किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों के काम आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।